भाजपा वाले दो बातें कर रहे हैं, कभी तो कह रहे हैं कि अफसरों की कोई हड़ताल नहीं है, सारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर कह रहे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन फैल रहा है, दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल भी तो यही कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, मेट्रो का ड्राइवर मेट्रो चला रहा है, बस के अंदर कंडक्टर डीटीसी का टिकट काट रहा है, पानी का बिल जमा हो रहा है, जेई काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, क्लर्क काम कर रहे हैं, मगर आईएएस अफसर काम नहीं कर रहे हैं, आईएएस अफसर हड़ताल पे हैं। और सरकार के जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने निर्णय होते हैं, जितने भी पॉलिसी लेवल इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, वो सब आईएएस अफसरों के द्वारा किए जाते हैं। जब आईएएस अफसर सरकार के मंत्रियों से मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं, उनसे मिल ही नहीं रहे हैं, उनके कहने पे कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, उनके कहने पे जनता के बीच में जाके कोई इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो काम कैसे होगा? तो भाजपा वाले पहले इस बात का निर्णय लें कि क्या अफसर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और भाजपा वाले ये बताएं कि वो अफसरों की हड़ताल का समर्थन क्यों कर रहे हैं। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि आईएएस अफसर जो हड़ताल पे गए हुए हैं, ये एक राजनीतिक हड़ताल है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। मगर अगर आप कल से देखें तो भाजपा के सभी बड़े नेता, चाहे वो मनोज तिवारी हों चाहे वो विजेंद्र गुप्ता हों, सब लोग अफसरों की हड़ताल के समर्थन में खड़े हो गए। इसका मतलब साफ है, ये हड़ताल प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पे हो रही है और भाजपा के इशारे पे चल रही है। भाजपा वाले दिल्ली वालों को परेशान कर रहे हैं और ये हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक भाजपा के प्रधानमंत्री और भाजपा के लगाए हुए एलजी अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सब लोग दिल्ली वालों से बदला ले रहे हैं, दिल्ली वालों को परेशान कर रहे हैं।